हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ससुराल, और ये है आज हमारा पहला दिन है। तो देखिए किस तरह से चूल्हे पे ही गांव में खाना बनता है। तो यहाँ पे मैं मिट्टी इसको फोड़ के अच्छे से बारीक कर लूँगी, और इसको मैं पानी में फूलने के लिए 1-2 मिनट तक दे दूँगी। जब तक कि झाड़ू लगाऊँगी, चूल्हे को सफाई करूँगी, राख वाख यहाँ से निकालूँगी, तब तक ये मिट्टी जो है फूल जाएंगे। तो चलिए आप सभी से मैं मिलती हूँ चूल्हे को चौका करने के बाद। और यहाँ पे किचन क्लीनिंग इसी तरह से होती है। देखिए मिट्टी से तो चूल्हा निपने वाला ना, यहाँ मिट्टी होती है। यहाँ पे देखिए रेड मिट्टी है, लाल मिट्टी, तो इसी से हम सब चूल्हा को निपते हैं। तो यहाँ पे बस चूल्हे को सफाई कर लिया, तब तक मिट्टी भी फूल गया है। तो चलिए आप सभी से मैं मिलती हूँ चूल्हा को लिपने के बाद। तो पहले मिट्टी से मैं बाहर बाहर लिप लेती हूँ, फिर यहाँ अंदर में लिपूंगी, नहीं तो फिर जो कपड़े में है ना कालिख लग जाएगा, फिर पूरा चूल्हा काला काला हो जाएगा। तो पहले मैंने चूल्हा का साइड साइड से लिप दिया है, उसके बाद मैंने अंदर से लिपा है, और उसके बाद इसके आसपास की एरिया थोड़ा सा जहाँ पर मिट्टी मिट्टी है वहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लिप देते हैं। और गाँव में इसी तरह से किचन क्लीनिंग होती है मॉर्निंग का। तो बस फाइनली हमारा किचन क्लीनिंग हो गई है। चूल्हा लिपने वाला कपड़ा को मैं कहीं साइड रख दूंगी, क्योंकि रेगुलर का तो काम होता है यहाँ पे चूल्हा लिपने का, तो यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद बर्तन वर्तन धो लेती हूँ, अपने पैरों की सफाई वगैरह कर लेती हूँ। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ना, गंदा बिल्कुल नहीं है, बहुत दिनों के बाद कल चल रहा है ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसका पानी जो है ना ब्राउन ब्राउन हो गया, जो बोलते हैं ना जंग लगा हुआ पानी, क्योंकि डायरेक्ट पानी आता है ना यहाँ गांव में, पाइप बिछा हुआ पानी का, तो ये इसी पानी से ज़्यादातर काम हो जाती है। तो ये ज़्यादा जो चपाकल है ना, ज़्यादा चल नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी पानी नहीं आ रहा था, तो इसी पानी से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए पानी जो है लाल हो गया है, मतलब जंगाल जंगाल पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर मैं पैर वैर धो लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ चूल्हे पे पहले खाना बनाने से पहले ना, जो भी बर्तन में आप बनाते हो ना, उसमें मिट्टी या राख कुछ भी पहले पीछे जो पेंदी होता है ना उसके ऊपर लगाते हैं, इसके पीछे लगाते हैं, ताकि जो कालिख है ज़्यादा इस पर चिपके ना। और जब हम बर्तन धोए ना, तो बहुत ही आसानी से इसका जो कालिख है आराम से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जी कपड़े थोड़ा इसमें डाली थी ना, तो सूख गया है, मतलब कल ही डाली थी, तो यहाँ पे अभी उठा रही हैं। और अभी मॉर्निंग का ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, मॉर्निंग का कम से कम 7 बज रहे होंगे या 7:15 हो रहा होगा, इसी तरह से हो रहा है। और गांव में बहुत जल्दी ही उजाला हो जाती है, तो जल्दी ही जाग जाती हूँ। तो यहाँ पे राख लगा देते हैं, ताकि चूल्हे पे जब मैं खाना बनाऊँ ना, तो इसके ऊपर कालिख जो जमे ना, तो अच्छे से बहुत जल्दी ही, मतलब ज़्यादा हाथों पे जोड़ना पड़े, आराम से छूट जाए। तो इसी तरह से जब भी चूल्हा पे खाना बनता है ना, तो कुकर हो या तसली हो, कुछ भी हो, सब इसी तरह से चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम पानी डाल देंगे, और कुकर में चावल में बनाने के लिए पानी चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, और जो काली राख है उसको मैं अंदर कर देती हूँ, नहीं तो फिर इधर उधर और छिटा जाएंगे। और इस थैले में ना चावल है, वो कोट में मिलता है ना वही चावल है, तो इस थैले में चावल है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, और इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और इधर देखिए बुझ रहा था आग, और अजय बहुत इसको शौक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है कि मम्मी मुझे इसमें आग लगाने दो। वो तो अजय इसमें आँच लगा रहा था, मतलब गोईठा तोड़ के डाल रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चावल धोने के लिए।
तो इसको इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के धो लूँगी, क्योंकि यहाँ कोर्ट का चावल मिलता है ना, तो कोई पता नहीं होता कितना दिन पुराना होता नहीं होता है, तो हाथों से रगड़ के धोने से थोड़ा से इसके ऊपर से भी होते हैं ना और डस्ट वगैरह तो आराम से निकल जाते हैं। तो इस तरह से रगड़ रगड़ के मैं 4 से 5 पानी से धो लूँगी जब तक कि उसका पानी पूरा फ्रेश नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ और चावल में डाल देती हूँ कुकर में। और इधर देखिए सिमरन है, आ रही है और लगता सिमरन कुछ बोल रही थी। तो यहाँ पे देखिए कुकर में मैंने चावल डाल दिया है और अपने हिसाब से मैंने पानी इसमें डाल दिया है जितना भी पानी की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद मैं सीटी लगा देती हूँ। एक सीटी आने तक हम वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, एक सीटी में ही चावल बन जाती है। यहाँ पे देखिए तसली में दूध गर्म हो रहा है क्योंकि पीछे का जो चूल्हा है वो इधर दूध भी गर्म हो, मतलब दो अच्छिया चूल्हा इसको बोलते हैं, तो पीछे दो दो चीज़ बन जाता है। और इधर मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ, मसाले वगैरह पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीरा, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो मैं लोढ़ी और पाटी को धो लेती हूँ, इसको सिलबट्टा भी बोलते हैं और गांव में, यहाँ पे जहाँ हमारे गांव में लोढ़ी और पाटी बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं मसाला रख लेती हूँ और इसको मैं पीसना है। उसके बाद यहाँ पर मैं मसाला पीसने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे प्याज वगैरह काटने के लिए सब्जी के लिए। तो यहाँ पे एक प्याज है उसको मैं काट लेती हूँ छिलका उतार के, और मिर्च है और मसाला हमने पीस लिया है। और यहाँ पे इसी तरह से मसाला वसाला पिसाता है। और यहाँ पे देखिए, और सच में इस तरह से भी मसाला ना एकदम नेचुरल स्वाद आती है, मतलब बहुत टेस्टी सब्जी बनती है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए प्याज व्याज काट लेती हूँ, हरी मिर्च वगैरह। और इधर मैं चूल्हे में आँच भी लगा रही हूँ, मतलब गोइठे भी डाल रही हूँ। और ये हम सब में उबले को ना उबले क्या बोलते हैं, मगर हम सब में गोइठा बोलते हैं, गोबर का जो उबले है ना उसको हम गोइठा बोलते हैं हम सब में। तो यहाँ पे बस इसका आँच भी लगा रही हूँ और चूल्हे के सामने ही मैं बैठी हुई हूँ। और इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में मैं तेल डाल देती हूँ, और जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें हम प्याज कटा हुआ, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज, जैसे ही तेल गर्म हो गया इसमें हरी मिर्च और प्याज डाल दिया हूँ। उसके बाद जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम ड्राई मसाले डालेंगे, और जो मसाला हमने तैयार किया वो मसाले, तो अभी मैं मसाला थोड़ा सा दिखाना मिस्टेक कर गई, तो अभी मैं डाली जो मसाला हमने ट्राई अभी पीसा है वो डाल दिया हूँ। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें डालने के बाद उसमें मैं डाल दिया हूँ कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। उसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें हम बंदा गोभी डाल देते हैं, जो पत्तगोभी होता है ना इसको पत्तगोभी भी बोलते हैं या बंदा गोभी बोलते हैं। और बंदा गोभी और आलू दोनों साथ में ही डाल दिया हूँ, और इसको हम अच्छे से भूनते हुए पकाएंगे। और ये ड्राई सब्जी है और हमारे घर में दाल चावल बना है, और ये सूखी सब्जी है बंदा गोभी और आलू की मिक्स सब्जी। तो इसको इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही धीमी, मतलब धीमी आंच पे किया, यहाँ पे थोड़ी ना चूल्हे पे धीमी आंच हो जाएगी। तो इसको हम ढकते हुए भूनते हुए पकाएंगे, और ये सब्जी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो इसको हम चला लेते हैं और फाइनली हमारी सब्जी जो है ना बन के रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बच्चे को नहलाने के लिए। तो फाइनली हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे इस तरह से गांव में खाना बनता है। ओए
तो आदित्य की किसको मैं कुछ बोल रही थी। खाना उना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ तीनों बच्चों को नहलाने के लिए, आदित्य, अजय और सिमरन, तो तीनों को नहला दूंगी। और इन दोनों को पहले मैंने नाश्ता मॉर्निंग में ही करवा दिया था। तो आई होप आपको आज की ब्लॉग ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।